कार्तिक मास की अमावस्या को रोशनी पर्व के रूप में हम लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती माँ और कुबेर जी की पूजा कर समृद्धशाली सुखद जीवन की कामना करते हैं और दीपावली का शुभ त्योहार अपने परिवार के साथ मनाते हैं। 5 दिन 5 त्योहार और 5 भाव, इन 5 दिनों की श्रृंखला में हम हर सुख कामना को आराध्य करते हैं। सर्वप्रथम धनतेरस के दिन बर्तन आभूषणों की खरीदारी हमें परिवार के प्रति जिम्मेदारी का आभास कराते हैं। साथ ही धन्वंतरी की पूजा मूलतः आरोग्य व स्वस्थ जीवन की कामना के लिए की जाती है। दूसरा दिन यानी रूप चौदस, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं तथा उगते सूरज को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। इस त्योहार का मूल भाव मन के विकारों को दूर कर आत्मा का शुद्धिकरण करना है। तीसरा दिन है शुभ दीपावली का, जिसे हम दियों की झिलमिलाती रोशनी से अमावस की काली रात के अंधेरे को दूर करते हैं। साथ ही मन के अज्ञानता के काले साए को प्रेम व ज्ञान के प्रकाश से प्रज्वलित करते हैं। चौथे दिन गोवर्धन पूजा करते हैं, जिसका मूल भाव प्राणी मात्र के प्रति प्रेम व रक्षा के महत्व को समझाना है। पांचवें दिन हम भाई बहन के प्रेम प्रतीक के रूप में भाई दूज का शुभ पर्व मनाते हैं। यह हमें पारिवारिक मेल मिलाप व संबंधों की प्रगाढ़ता का संदेश देता है। दीपावली के शुभ त्योहार पर मैं आप सभी के जीवन की सुख शांति की कामना करती हूँ। दीपावली के प्रकाश पुंज को फैलाने वाले दीपक की तरह ही आपका जीवन हंसी खुशी प्रकाशित हो, इन मधुर भावों के साथ आप सभी को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।